नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वह सामाजिक विषमता से भरी है, साथ ही इसमें आपको बाल सुबोध भावनाओं का चित्रण मिलेगा। इस कहानी का जो केंद्र है वह एक स्त्री है, एक ऐसी स्त्री जो पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर है। वह एक परित्यक्ता स्त्री है। कहानी बहुत ही मार्मिक है, साथ ही ये कहानी समाज को आईना दिखाती है कि समाज स्त्री की स्थिति को लेकर किस प्रकार एक छोटी सोच रखता है, उसे पुरुष की दासी समझता है, उस पर अत्याचार करता है। तो आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती की लिखी कहानी गुल की बन्नो। ए मरे कल मुहे, अकस्मात घेगा भुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मीरवा को गाते हुए देखकर कहा, हैरे तोरे पेट में फोनोग्राफ उलियान बाका, जन भिन सवार भवा के तान तोड़े लगा। राम जाने रात के कैसा निकरा दीदा लगत है। मारे डर के कि कहीं गैगा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और जो ही गैगा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर छुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद करते हम छनम तेरी कछम, छनम तेरी कछम। मीरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मीरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिस मास्टर वायर्स के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मीरवा, असली नाम मिहरलाल, जागता था और आंख मलते मलते गैगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मीरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुड़ते थे। जब से गुल्ली ने गेगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से ये जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुल्ली सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर ला दे, डंडा टेक दी आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मीरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी दहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मीरवा गाना छोड़कर छलाम गुलकी और मटकी अपने बड़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे देव, ए गुलकी एक मूली दे देना। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी, उसने मटकी को छिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दूराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली ए गुलकी एक मूली देना, एक गुलकी एक। गुलकी ने फिर झड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोड़िन कहीं की, कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जो की धना चिपक गई, चल इधर से। मटकी पहले तो पीछे हटी,
फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। ए है दुकान दे के हम विपता मोल ले लिया, छन भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेगा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात स्वर में भोंकने। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चौराहे पर तीन चार बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा बामे पड़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झाड़े की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई, दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी खिसकते खिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है, हाय हाय, हमका नरिया में ढकेल दीस, अरे बाप रे। निर्मल मेवा मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? ओह हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। का करोगे, हमें मारोगे? मारोगे का? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घेर आए। मटकी ने जीप निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रूंधे गले से कराते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अभिन बहन जी को बुलवाएं कि दुई चार कैनेठी दिलवाएं? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा पिगुल बजाओ, मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा। धुत धु धु, जुलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाई काट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पे से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वे इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताजुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहां से आई है, कैसे आ गई, पहले कहां थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे, बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो कहीं डरी हो कि कहीं मकान हम लोग दखल ना कर लें और मर्द को छोड़कर चली आई हो? खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो, रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ सारा घर उठा के भेज दें, सुन रही हो घेगा बुआ? अहे तो का भवा भहू, अरे निर्मल बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेगा बुआ की आवाज आई, एहे बेचारी बाप की अकेली संतान रही, एही के ब्याह में मटिया मेट हुई गवा, पर कैसे कसाई के हाथ में दीस
कि 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका। ए हे बिटवा, एक दुकान खुलवाए देव, हमारा चोतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले, हमका मना करित हैं। ए हे, एत्ता बड़ा चोतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर धर ले जाब, पर हाँ मूला रुपया दे देव करे। दूसरे दिन ये सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा पड़ा था पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चोतरा लंबा था, उस पर पत्थर जुड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी, खंभों के पीछे कील कील कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी, एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबट्टी खेल सकते थे, पत्थर पर लकड़ी का पीड़ा रख कर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमा कर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उसने जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है, इसका बाप 100 रुपया चुरा कर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराए होगी, मेवा बोला। अरे कुबर थोड़े है, ओही रुपया बांधे है पीठ पर, मन सेधू का रुपया है सचमुच, निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबर थोड़ी है तो दिखावे, मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से, कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ, दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा, यहाँ कभी आवे तो कहलवाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल दूंगी हराम जादे की। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहिना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर क्या कर सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया, वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया, वे उसी तरह पीठ धोरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए, कुबड़ी कुबड़ी का हैराना सुई हैरानी, सुई लेके का कर बे कंथा सी बे, कंथा सी के का कर बे लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का कर बे भात पकाई बे, भात पकाई के का कर बे भात खाबे, भात के बदले लात खावे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे और जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती, उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंखों में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वे रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी ये सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे
उन्होंने अनचीते में इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कोनी भी ना टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौं खून में लथपथ हो गए। वे हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़ भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वे मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं और दांत से खून बह रहा है। अध उघाड़ी चबूतरे से नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, एहे औकात रत्ती भर ने और तेहा पोवा भर, आपन बखत दे कर चुपने रहा जात, कहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपनी इस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वे क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के कहाँ हैं? गली के राक्षस हैं, राक्षस, खेगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग भी खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिल बोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकोणियां बीन कर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा आलू मूली घिया बंडा। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल से चीरता हुआ बुआ के चोतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सिर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल मिरवा मटकी को भी एक भी निमकोड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंख चमकाकर गोल मुंह करके कहा, हमारा अम्मा कहत रही उन्हें छुओ ना, न साथ खाओ न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है, थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उपकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा से उसे कुछ रस सा आने लगा था, उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन ना दे, खूब जोर से। भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया, माल कताली मल जाना पल अकियां खींची से। अकस्मात पटाक से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेगा बुआ गर्जी, एहे दूर हो कल मुहे, अभिन भी तो भर के ना ही ना और पुत्रियन के गाना गावे लगे, ना बहन का ख्याल ना बिटिया का, और ए कुबड़ी हम तो उसे कहे देते हैं कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चोतरा नहीं दिया रहा, चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने पानी उधर छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं गा रहे हैं,
कौन कसूर हो गया? ए हाँ बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया कि जबान ना लड़ाइयो हमसे। हाँ हम बहुते बुरी हैं, एक तो 5 महीने से किराया ना ही दियो और हियाँ दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटूरे रहते हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान हियाँ से, कल से ना देखी यहाँ तुम्हें। राम राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भय है मोहल्ले में, धरतियो नहीं फाटाते कि मर बिलाए जाएं। गुलकी सन रह गई, उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में उससे कोई कुछ लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ निकाल देगी यह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे भी महीने में 20 दिन में भूखी सोती थी, धोती में 10-10 पैबंद थे, मकान गिर चुका था, एक दलान में वे थोड़ी सी जगह में सो जाती थी, पर दुकान तो वहां नहीं रखी जा सकती। उसने चाहा कि वे बुआ के पैर पकड़े, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमास आया था पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पांव कांपते थे, सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था, पर अब क्या होगा? वे मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक फूट निकाल लिया है और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही थी। एक क्षण वे उसके फूलते पचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा और वे नाली में से फूट के टुकड़े उठाती हुई भागी, न रोई न चीखी क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी, सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया, भाग भाग यहां से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा, हमला पैछा देव तो जाई, देत है पैसा, ठहर तो। सड़ 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 रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था, सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की और घूम कर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिंगला, हाँ हमें छुओ मत, निमकोड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकोड़ी उसके पास रख दी और चोट भूलकर पकी निमकोड़ी का बीजा निकालकर छीनने लगा। इतने में उधर से गहगा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अभिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा, ती छत्ते पर घेगा बुआ मारे पानी के छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से ती छत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराती हुई उठी, कुबड़ की वजह से वे तन कर ती छत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखा और ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो बुआ, उधर की खोलो ना। ऐ है काहे उधर की खोले, उधर हमार चौका है कि न, इधर हमार सौदा लगा है। ऐ है सौदा लगा है, बुआ हाथ चमकाकर बोली, अह सौदा लगा है रानी साहब का,
किराया देई की दाई या फाटत है और टराई के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो, सौदा लगा है तो हम का करी। नारी तो यह खुली है, खोलो तो देखें जरा। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका वह स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के वसंतु के हाथ किसने बेचा? तुमने। पच्छी मोर का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार डालो। एहे, हमें चोरी लगाती है। अरे कल की पैदा हुई, बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का ये रूप उन्होंने कभी ना देखा ना सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने ड्राइवर चाचा से, चाची ने, सब ने मिलकर हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान भाई देव, देखेंगे हम भी। निर्बल के भी भगवान हैं। अच्छा ले तो ले, ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तोरैया पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुल की आंखें फाड़ पागल सी देखती रही, फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकार कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे ओ मोरी धरती मैया, हमें काही नहीं ले लेती? सर खोले, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी। और तिछत्ते का पिछले पहले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया ये उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय संवेदना या आशंका से जुड़ पटुर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झींसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक करके अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़ कर उस पर तोरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ 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 धड़ाम भयानक आवाज हुई। माँ भी चौंक पड़ी पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेगा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी। आय हाय, किसका मकान गिर गया है रे? कुलकी का, किसी का दूरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, अरे दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में ये सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे। वे फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वे स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ लग रहा है, जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है।
पर कोई सुन नहीं रहा सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती है कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं हटता। सामने गुलकी थी तो वे एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वे जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और दो चार घरों से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती भी नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। जब जाड़े आ रहे थे उनका जमावड़ा सुबह ना होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था गैगा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घैगा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए ही वोट मांगती थी। उस दिन जब घैगा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा, वे अचकचाकर रुक गई। डाकिये के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया और एक सांस में पड़ गई। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गई और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाली के ओसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर से वे काले बैट का चाबुक लटक रहा था जिससे वे साबुन की टिक्की काट काट कर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही बहुत सिकोड़ कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपए किराया बाकी था, तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर जाओ अंदर। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कोतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झजरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपटियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसीलिए कि उसकी रखेल को बच्चा हुआ है, जो जाके गुलकी झाड़ू बुहारी करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे, और वे मरद का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखेल के साथ गुल छड़ रहे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अपनी बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। अरे जब वे उसकी पत्नी है तो गुलकी को जाना चाहिए ना, और मरद तो मरद है, एक रखेल छोड़ दुई दुई रखेल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी का? राम राम राम, नहीं छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी। सत्ती बोली, अरे बेटा। बुआ बोली, भगवान रहे ना, जोन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हुई गवा, पति तो भगवान है बिटिया, ओका जाई देव। हाँ हाँ बड़ी ही तू ना बनिए, खूब जानती हूँ मैं आपको, उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह डपट कर बोली, एहे खबरदार, जो कच्ची जवान निकालियो, तुम्हार चरित्र कौन न जानत, ओही छोकरा मानिक, ए चबान खींच लूंगी। सती गला फाड़कर चीखी, जो आगे एक हरूफ कहा, और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे रे रे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करबो का, कतल करबो का? सती जैसे आई थी वैसे ही चली गई।
तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते हैं और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो देखा बुआ के चोतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल, कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए कह रही है, एक डबल ते देव, एक ते देव ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, कुलकी का मन से धुआवा है, कुलकी का मन से धुआवा है। ए मुन्ना बाबू, एक कुबड़ी का मन सेधु है। फिर उधर मुड़कर एक डबल दे देव, तीनों बच्चे कोतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। फिर बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा ई हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजा जी हैं जीजा जी, हाथ जोड़ो बेटा। कुल की हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो का हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही, एक मकान बचा है उनकी चिहारी और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है। बुआ आ गई थी। अरे ए बेटा, 100 रुपए तुम देवे किए रहियो, चलो 300 रुपए दे देव, अपने नाम कराए लेव, 500 से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह फिर बंद हो गया। भवा भवा, ए बेटा दामाद हो, 500 कहबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है। अकस्मात वे आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सती चोतरे के नीचे खड़ी हो गई, बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचाकर सर पर पल्ला डालकर माथे पर खींच लिया। सती दो एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर, मारो गुलकी, खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से तहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे घिग्गी बंद गई और वह आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। पढ़ती क्यों नहीं गुलकी, पड़ा आया वहां से विदा करानी, मार हराम जा देगे। गुलकी आगे बढ़ी, सब सन थे, सीढ़ी चढ़ी, उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लग की और फिर उस आदमी के पांव पर गिर के फक फक कर रोने लगी। हाय हमें काहे छोड़ दियो, काहे छोड़ दियो हमें, तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है। अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया मत रो, सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रहा, उठो गुलकी बेटा, धोती बदल लेव, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है, चलो चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए है चलो यहाँ से, हुआ लड्डू बट रहे हैं का। दूसरे दिन निर्मल बाबू, ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजा जी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया। हाँ हाँ रे,
हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसा कर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपए लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है, निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली। बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाली, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठा थे। निर्मल की माँ और निर्मल के बाबू पीढ़े पर बैठे थे। गुलकी एक पीली धोती पहने माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झाक झाक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुँच कर कहा, ए गुलकी, ए गुलकी, चीजा जी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने छेप कर कहा, थतरे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पे मनमोहक लाली बनकर फैल जाती है, उसके झुर्रियोंदार, बेडोल, नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभस्त लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढाक लिया और पीठ सीधी कर जैसे कुबर छुपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे, चीजा जी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पढ़कर कोई जवाब नहीं दिया तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए, है तो अपना आदमी, हारे गाड़े कोई और काम आएगा, औरत को दबाए के ही रखना चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है, अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए, ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे, क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है, फिर संतान होगी तब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली, बोली, हाय राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता, अरे सौत तो अपने मतलब की होगी, ले भैया मेवा, जा दो बीड़ा पान तो दे आ जीजा जी को। फिर उसके मुंह पर वही लाज की विभस्त मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया पर वहां किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वे आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं पर इतना कहे देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की ना पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया के सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो दो रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं, हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला अगली बार प्राण निकलेगा। आहा क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे,
निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवाकर पूछा कि विदा विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, है, अरे कोई जात बिरादरी की है का? एक लोटा पानी भर के इकन्नी दुअन्नी उतार के परजा पजारू को दे दियो बस। और फिर बुआ शाम को बियानी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियां रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए, सर झुकाए। पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेंट से दो अधन्नी निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वे हाथ नीचे कर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और सर हिलाकर बोली, नहीं 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 बेटा, ले लो, गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी। ए आदमी, छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है, वे फिर भारी गले से बोला। ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है। सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा, मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा लें तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है। लाओ जरा रोली घोलो, जल्दी से चावल लाओ और सेंदूर भी ले आना निर्मल बेटा। तुम बेटा उतर आओ जरा एक बार इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था, बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने जो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका दिया। गुलकी जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वे मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर। और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित स्वर से रो पड़ी, ले अब चुप भी हो जा, देख तेरा भाई भी आ गया, वह बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज, दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पांव छू ले, आ इधर, माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पांव छुए क्यों? पर माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया। वह गुलकी की ओर बढ़ा, गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी, हाय रे मेरे भैया, हम जा रहे हैं, अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया, अरे मेरे वीरन, अब किससे लड़ोगे। मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी करा कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी कि बुआ ने व्यंग्य किया, है एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया, मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने जो बम्बे का पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़कर गाने लगा। पन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था।
बुआ ने घुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे ना गावे, कुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई, मुन्ना बाबू कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले ले। बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंख में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती की लिखी कहानी गुलकी पन्नू। इस कहानी में जो स्त्री का रूप दिखाया गया है उसे बहुत ही कमजोर और बहुत ही अबला के रूप में दिखाया गया है, और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि इसमें जो स्त्री है वह कितनी कमज़ोर है। वह अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले सकती, अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती, अपने हक के लिए नहीं खड़ी हो सकती। एक तरीके से इसमें पूरी तरह एक पारंपरिक स्त्री के दर्शन होते हैं। चाहे उसका पति उस पर कितने अन्याय करे, मारे पीटे, वह उसे माफ़ कर देती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कितनी विवशता है एक स्त्री की कि एक पुरुष उस पर अत्याचार करता है, वह जानती है कि वह उस पर अत्याचार करता है, किंतु उसके बावजूद भी वह उसके साथ रहना चाहती है। ये कहानी सामाजिक विषमता को दिखाती है कि हमारे समाज में स्त्री को यह दिखाया गया है कि वह शुरू से पुरुष के अधीन रही है, पुरुष की दासी समझी जाती है। एक स्त्री के साथ पुरुष नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज उसे बहुत ही बुरी नज़र से देखता है, और अगर कोई स्त्री अपने पुरुष द्वारा छोड़ी गई है तो उसका जीना ही दुभर हो जाता है। पूरा समाज, रिश्तेदार उस पर अत्याचार करते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सी गुलकी बन्नू देखने को मिलेंगी जो अपने पति द्वारा छोड़ दी जाती हैं, और पति द्वारा छोड़े जाने पर उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वे खुद अपने पैरों पर भी खड़ी हैं, खुद कमाती हैं, खाती हैं, तो भी समाज उन्हें बुरी नज़र से देखता है। समाज यही कहता है कि देखो, पुरुष ने छोड़ दिया फिर भी कितने अच्छे से रहती है, अच्छे से ओढ़ती पहनती है। अगर वह खुश रहती है तो उस पर भी समाज को दिक्कत होती है। जब तक कोई स्त्री एक पुरुष के साथ जुड़ी है तब तक ही वह इज्जत की हकदार है। अगर वो एक पुरुष के साथ नहीं जुड़ी तो उसको समाज बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। हम कह सकते हैं कि यह हमारे समाज का बहुत ही गंदा रूप है, बहुत ही गंदी सोच है जो कि बदलनी चाहिए। साथ में आप इसमें देखेंगे कि गुलकी बन्नू पूरी तरह से अबला है और शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है, किंतु फिर भी जीवन के प्रति वह हार नहीं मानती। इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूटने पर भी वे अपने जीवन को त्यागती नहीं है, जो कि आजकल की जनरेशन ऐसा करती है। अगर थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाती है तो आप घबरा जाते हैं, कई बार तो कुछ लोग सुसाइड का डिसीज़न भी ले लेते हैं, किंतु गुलकी बन्नू ऐसा नहीं करती। वे तमाम मुसीबतों के बावजूद भी जीती है, स्ट्रगल करती है, जो कि हमें यह दिखाता है कि हमें अपने जीवन के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं गुलकी बन्नू जरूर ही एक अबला स्त्री थी, किंतु जीवन के प्रति वह अबला स्त्री नहीं थी, जीवन के प्रति वह जागरूक थी। तमाम मुसीबतों के बावजूद भी वह जीती है। लेखक ने इस कहानी में समाज की विषमता को दिखाया है, समाज की सोच दिखाई है कि समाज एक स्त्री को किस प्रकार का दर्जा देता है, समाज की नज़र में एक स्त्री की क्या स्थिति है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।